साथियों को, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंदर काफ़ी लोगों को फ़ोन मिल चुके हैं, लेकिन कुछ के पास अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा है। और जो उन्हें लगता है कि हम योग्य है, पात्र है, तो वो पात्रता कैसे चेक कर सकते हो? आप घर पर बैठे फ़ोन पर ही आप चेक कर सकते हो। इसमें मैं आपको वे उन पूरे सवालों के आंसर दूंगा जिसको अभी तक फ़ोन नहीं मिला है। यदि अभी तक आपके पास मैसेज नहीं आया तो आपको क्या करना है, यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप कैसे नाम जुड़वा सकते हो उस पर, और जन आधार कार्ड को आप किस प्रकार से अपडेट करवा सकते हो, और आपको पात्र है या नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप पात्र नहीं होते हैं तो पात्रता किस प्रकार से प्राप्त करनी है वो भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना होगा। जैसे ही आप गूगल पर आते हो तो यहाँ पर आपको जन सूचना टाइप करना होगा, या फिर जन सूचना पोर्टल आप टाइप कर देना। जैसे ही आप जन सूचना पोर्टल टाइप करते हो और इसको सर्च के लिए भेजते हो आप, तो सर्च पर भेजने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें सबसे पहली साइट है जन सूचना पोर्टल राजस्थान। तो आप इस पर क्लिक कर देना, जन सूचना राजस्थान पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को एक क्रॉस का निशान देखने को मिल रहा होगा। तो इस क्रॉस पर आप क्लिक कर दीजिए और इसको हटा दीजिए, और इसके बाद में आपको ऊपर दो नाम दिए होंगे, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता और साथ में महंगाई रात कैंप की जानकारी। तो आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता चेक करनी है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो इसके बाद में आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर बताना होगा कि एंटर योर जन आधार नंबर। अकेले अपना आधार नंबर दर्ज करें तो अपना आधार नंबर जैसे ही आप यहाँ पर दर्ज करते हो तो आपके आधार जन आधार नंबर के जन आधार पर जितने भी नाम जुड़े हुए हैं वो सब आपके सामने शो हो जाएंगे। और जुड़े हुए हैं इसके बाद में आपको क्या करना है कि सिलेक्ट स्कीम जो लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है कि आप किस आधार पर ये फोन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कोई विधवा है तो विधवा पर क्लिक करें, ठीक है, एकल नारी पेंशनर है तो कहने पर जिसके पेंशन आ रही है तो उस पर क्लिक करें, नहीं तो आप नरेगा 100 दिन है तो उस पर क्लिक करें, या फिर इंदिरा गांधी है और यदि आपने शहरी रोजगार 50 दिन तो उस पर क्लिक करें, और या छात्रा महाविद्यालय कला वाणिज्य विज्ञान कोई पढ़ रही है छात्रा इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रही है तो आप उस पर क्लिक करें, और यदि कोई संस्कृत महाविद्यालय में पढ़े तो उस पर क्लिक करें, यदि पॉलिटेक्निक के अंदर है तो उस पर क्लिक कर दे, और आईटीआई के अंदर है तो उस पर क्लिक कर दे, और यदि कोई छात्रा 9वीं से 12वीं में यदि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रही है और उनकी पात्रता चेक करनी है कि आप पात्र है या नहीं है तो आप 9वीं से 12वीं कक्षा छात्रा पर आप क्लिक कर दे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, नया यहाँ पर आ जाएगा, स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जिसके बाद में आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आप पात्र है या नहीं है। तो आप जैसे ही मतलब इस पर क्लिक करते हो तो ऊपर आ जाएगा आप पात्र है, स्कूल में जाना होगा, यदि पात्र नहीं है तो आपको क्या करना है, और आपका जन यदि छात्रा है वो 9वीं से 12वीं स्कूल के अंदर पढ़ रही है तो आपको सबसे पहले तो जन आधार जो कार्ड है उसके अंदर आपके जो आधार नंबर है तो उसमें जो नाम है जन्म तिथि है वो सब कुछ सेम होना चाहिए, और यदि सेम नहीं है तो आप पहले इसको अपडेट करावे, सेम करावे, इसके बाद ही आप वहाँ पर जाए और इसके बाद में स्कूल जाए और वहाँ पर आपको लेटर लिख कर दिया जाएगा, और उस लेटर के अंदर आप किसी आपको मतलब पात्र होने योग्य आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में आप ग्राम पंचायत में जाए और उनसे कहे कि हम पात्र हैं और हमें फोन मिले मिलना चाहिए, तो आपको इस प्रकार से वो फोन प्राप्त हो जाएगा और आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए।